It's all right. Hush. So hello guys, मैं वाणी में श्रेयकर हूँ। माय यूट्यूब चैनल लिपि मोड ब्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? करो सब लोग बढ़िया और बढ़िया रहना मेरे तरह। सो फाइनली गाइस, देख पा रहे हो मेरे पीछे आज खड़ी हुई न्यू होंडा एसपी 120 स्पेशल एडिशन। सो गाइस, इधर पे खड़ी हुई न्यू होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन, लिमिटेड एडिशन भी आप लोग कह सकते हो। अगर आप लोग इस बाइक को बाइक करना चाहते हो, ऑनरोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, एंड अगर आप लोग फिनांस पे लेना चाहते हो तो लोएस्ट डाउन पेमेंट आएगा, एंड क्या क्या बदलाव आप लोगों को नॉर्मल मॉडल से स्पोर्ट्स एडिशन पे बदलाव मिलेगा, हर एक चीज़ गाइस इस वाले वीडियो पे डिटेल से बताऊंगा। तो गाइस वीडियो जरूर एंड तक देखना। क्या क्या बदलाव है ये तो बताएंगे, लेकिन पहले गाइस किसे स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ गाइस की मिलता है होंडा का ब्रांडिंग के साथ, नॉर्मल स्की है गाइस, वेव की वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रंट के साइड पे गाइस आप लोगों को ब्लैक टिंटेड विंडशील्ड मिलेगा होंडा का ब्रांडिंग के साथ, एंड जो कलर स्कीम है ना एकदम ही गाइस न्यू कलर स्कीम है। इस मॉडल पर आप लोग दो कलर वेरियंट नया मॉडल पर देखने को मिलेगा। एक है गाइस डिसेंट ब्लू मेटेलिक जो आप लोग आपके सामने देख पा रहे हो, एंड दूसरा जो और एक कलर ऑप्शन आया है वो हैवी ग्रे मेटेलिक जो आप लोग पिक्चर्स पर देख पा रहे हो। फ्रंट पे इधर पे ग्राफिक्स देखो चेंज हुआ है, थोड़ा सिल्वर के साथ इधर पे ऑरेंज का मिलता है, एंड जो बॉडी कलर है फुल्ली गाइस ब्लू मेटालिक, एंड इधर पे देख पा रहे हो ग्लिटरी फिनिश है। अगर सामने से देखोगे ना उस टाइम भी आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश हम लोग प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक भी प्रोवाइड करता है। अगर इग्निशन करते ऑन तो फ्रंट के साइड पर गाइस मिलता है LED हेडलाइट सेटअप, अपर डिपर करोगे तो ऐसा कुछ गाइस लुक मिलेगा, एंड थोड़ा साइड फेयरिंग की तरफ एयर वेंट्स भी देखने को मिलता है जिसके लिए और भी ज़्यादा लुक जो है इन्हेंस होता है। बल्ब इंडिकेटर मिलता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। इधर पे गाइस आप लोगों को सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट होगा। अगर मडगार्ड की बात करूँ फुल्ली गाइस ग्लॉसी ब्लू मेटालिक के साथ ब्लैक, मतलब डुअल टोन कलर स्कीम है। ये पार्ट गाइस फुल्ली फाइबर के साथ है, एंड फ्रंट पे आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करता है विथ रिफ्लेक्टर जो नाइट के टाइम में विजिबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करेगा। 240 mm साइज का गाइस इधर पे डिस्क मिलता है विथ CBS, मतलब कॉमी ब्रेक सिस्टम भी इस मॉडल पे प्रोवाइड करता है। इधर पे देख पा रहे हो फ्रंट का जो लीवर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हो ऑटोमेटिक रियर ब्रेक यूज़ होगा, अगर आप लोग रियर ब्रेक यूज़ करते हो सो ऑटोमेटिक गाइस फ्रंट ब्रेक एंगेज होगा। इधर पे गाइस सिस्टम वगैरह देखो पूरा चेंज हो चुका है, दो वायर मिलते हैं इसके लिए क्योंकि दोनों ब्रेक एक साथ में काम करता है। सो ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। निशिन की गाइस ब्रेक कैलिपर मिलता है, एंड अलॉय के ऊपर एक बदला आप लोग देख पा रहे हो। स्पोर्ट्स एडिशन पे रिम पे गाइस स्टिकरिंग मिलेगा बॉडी कलर के साथ, मतलब ऑरेंज कलर के साथ, एंड जो अलॉय कलर है ना वो ब्लैक नहीं है गाइस, ग्लिटरी फिनिश के साथ हल्का सा ग्रे प्रोवाइड करता है। 18 inch का गाइस अलॉय व्हील है, 80x100 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर है। टायर प्रोफाइल कुछ ऐसा मिलेगा जो साइड का प्रोफाइल है पहले से थोड़ा गाइस थिन हुआ है, एंड अलॉय का डिज़ाइन आप लोग चेक कर लो। सो चलो अभी बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। फ्यूल टैंक के ऊपर इधर पे आप लोग होंडा का 3D एम्बलम मिलता है जो पड़ेगा इस फाइबर का है, एंड इसके वजह से फ्यूल टैंक जो है ना और भी ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, मतलब इधर पे आप लोगों को फ्यूल टैंक काउल देखने को मिलेगा, एंड इधर पे ग्राफिक्स ग्रे ऑरेंज एंड सिल्वर, एंड ऐसा कुछ गाइस काउल है। इधर पे हल्का सा देख पा रहे हो फेंडर्स वगैरह निकला हुआ है, एंड थोड़ा एरोडायनामिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, एंड इधर पे हल्का सा एयर वेंट्स भी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड जो फ्यूल टैंक है 11.2 liter का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, एंड फुल्ली गाइस मेटल का है। इधर पर कलर्स में लोग चेक कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी फिनिश है, एंड E20 का ब्रांडिंग, मतलब आप लोग इस बाइक को 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी राइड कर पाओगे। फ्लेक्स फ्यूल जो मॉडल सपोर्ट करता है नॉर्मल पेट्रोल से भी राइड कर पाओगे, उसमें कैसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड टैंक के नीचे इधर पे जो पार्ट है ना थोड़ा कार्बन फिनिश मिलता है, इसके लिए और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक फील आएगा आप लोगों को। साइड जो पैनल है इसमें गाइस एसपी 125 का ब्रांडिंग मिलता है, एंड नीचे में देख पा रहे हो स्पोर्ट्स एडिशन। ये जो मॉडल है ना गाइस लिमिटेड एडिशन है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आएगा, जितना पीस आएगा वही गाइस सेल होगा, मतलब दुर्गा पूजा स्पेशल आप लोग मान सकते हो। टैंक के ऊपर ग्राफिक्स चेक करो, कॉस्मेटिक चेंजेस हुआ है न्यू मॉडल पर सिल्वर एंड ऑरेंज के साथ, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह इधर पे एसपी 125 का मिलता है अंदर के साइड पे, अगर अच्छे तरीके से आप लोग नोट करते हो तो जो सीट काउल है सीट काउल के ऊपर भी पहले जैसे ही ग्राफिक्स है, लेकिन सिर्फ कलर वगैरह चेंज है, एंड ब्लू मेटालिक कलर बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी एंड बहुत ही ज़्यादा आई कैची।
लग रहा है जब हम लोग इस बाइक को राइड करेंगे बहुत ही ज़्यादा लोग मुड़ मुड़ के देखेगा इस ग्राफिक्स की वजह से। एंड जो ग्रैबरेल है, ग्रैबरेल भी गाइस बॉडी कलर के साथ मिलते हैं, मतलब ब्लू मेटलिक। एंड जो बैक पैनल है वो फुल्ली गाइस डैशबोर्ड की तरह ब्लैक मिलता है। सो चलो इग्निशन को ऑन करते हैं, आप लोगों के साथ रियल लुक के बारे में बात करते हैं। सो जो रियल लुक है पहले की तरह ही आप लोगों को बल्ब टेल लैंप मिलता है बल्ब इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर लाइट जो होगी गाइस हैलोजन है, इधर पे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिलेगा, होंडा का ब्रांडिंग भी है। एंड लुक पहले के जैसे ही है और हल्का सा गाइस फ्लेक्सिबल मडगट इस मॉडल पर प्रोवाइड करता है। सो चलो ये बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब इंजन के बारे में। न्यू होंडा एसपी 125 पे इंजन पे क्या पावर भी प्रोवाइड करता है। सो एयर कूल BS6 कॉम्प्लेंट OBD2 एंड फेस2 का अपडेट के साथ फ्यूल इंजेक्टर एंड 2 वॉल्व मिलता है 124 सीसी का। एंड पावर प्रोड्यूस करता है 10.72 bhp एट द रेट 7500 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10 न्यूटन मीटर एट द रेट 6000 rpm। 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है हिल एंड टो के साथ, ये चीज़ें मुझे गाइस बहुत ही बढ़िया लगा। एंड टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रहा है 100 तक। और इंजन की बात करूँ फुल्ली गाइस ब्लैक है, इधर पे होंडा का ब्रांडिंग मिलता है। एंड और एक चीज़ इस मॉडल पे बहुत ही बढ़िया लगा मुझे पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड जो FI होने के लिए न्यू इंजन पे हटा दे रहे हैं लेकिन SP125 पे अभी भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, वो है गाइस किक स्टार्ट। और किसी भी टाइम बैटरी डेड हो जाए ना उस टाइम पे राइडर को किक स्टार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इधर पे स्पार्क प्लग देख पा रहे हो, कैथलेटिक कन्वर्टर इधर पे मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है। एंड O2 का सेंसर इधर पे अंदर के साइड पे मिलता है। एंड और एक बदलाव आप लोगों को स्पोर्ट्स एडिशन में मिलेगा, वो है गाइस इधर पे जो एग्जॉस्ट के ऊपर मफलर है ना वो गाइस ग्रे मैट फिनिश के साथ मिलता है। सो इधर पे देख पा रहे हो पहले वाला जो मॉडल है SP125 का, उस पे गाइस पहले क्रोम पार्ट मिलता था। एंड अलग के ऊपर गाइस ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जो गाइस आप लोगों को स्पोर्ट्स एडिशन पे कंपनी प्रोवाइड करता है। सो न्यू इंजन है, न्यू एग्जॉस्ट है। एंड एग्जॉस्ट भी ना पहले से बहुत ज़्यादा थिन हुआ है, उतना ज़्यादा बल्कि एग्जॉस्ट नहीं मिलता है। सो बाइक को स्टार्ट करते हैं गाइस, आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। सो इस बाइक में साइलेंसर मिलते हैं, जब आप लोग सेल्फ दोगे साउंड नहीं मिलेगा, सो ऐसा कुछ गाइस आइडल साउंड है। सो चलो वेरीफाई करके देखते हैं। सो साउंड में मुझे थोड़ा बदलाव लगा, मतलब स्मूथनेस थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बेस भी है, थम भी है। जब मैं इस बाइक को राइड करूंगा ना उस टाइम पे गाइस और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा कि कैसा ऑन द रोड आप लोगों को एग्जॉस्ट नॉट प्रोवाइड करेगा। सो चलो गाइस यही बात करते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में, मतलब रियर व्हील के बारे में। सेम टू सेम जैसे फ्रंट पे मिलता है ना वैसा डिज़ाइन के साथ, सेम कलर स्कीम के साथ, मतलब ग्रे। 18 इंच का अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील के ऊपर इधर पे आप लोग रिम स्ट्रिप भी मिलेगा जो पहले वाला मॉडल पे नहीं था। 100/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। तो पहले वाला जो SP125 था ना उसमें यही दिक्कत था कि बहुत ही ज़्यादा गाइस पतला टायर मिलता था, लेकिन न्यू मॉडल पे टायर पहले से थोड़ा गाइस साइज़ पे इंक्रीज हुआ है, थोड़ा फैट टायर मिलता है। एंड जो साइड का प्रोफाइल है वो भी गाइस पहले से थोड़ा थिन हुआ है। 130mm का गाइस इधर पे ड्रम ब्रेक प्रोवाइड करता है हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ, जो मल्टीपल आप लोग एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। डायमंड टाइप चेसिस इस मॉडल पर कंपनी ने जो है यूज़ किया है। एंड जो लेफ्ट साइड के प्रोफाइल है उधर पे गाइस आप लोगों को कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर फाइबर का एक पैनल है जिसके लिए और भी ज़्यादा लुक जो है प्रीमियम आता है। इधर पे लेडीज़ फुटरेस्ट है, चेन कवर जो है हो गया इस फाइबर का मिलता है। सो पिलियन राइडर जो फुटरेस्ट है ऐसा कुछ मिलता है आप लोगों को, फोल्डेबल जो राइडर फुटरेस्ट है उसके ऊपर भी रबर कोटिंग है लेकिन ये गाइस फोल्डेबल नहीं है। सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों कंपनी फिट मिलता है, विद सस्टेन इंजन कटअप सेंसर। और किसी भी टाइम पे आप लोग सस्टेन गिरा हुआ रहेगा तो आप लोग इस बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। एंड डुअल स्टैंड भी कंपनी फिट मिलता है जिससे और किसी भी टाइम पे बाइक पंचर हो जाए ना उस टाइम डुअल स्टैंड जो बहुत ही ज़्यादा गाइस हेल्प करता है। एंड इस मॉडल का कार्डबोर्ड है 117 kg एंड ग्राउंड क्लीयरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है 160mm का। सो चलो गाइस यही बात करते हैं इस बाइक का सीट के बारे में, पहले गाइस सीट हाइट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 790mm का गाइस इस मॉडल का सीट हाइट है। एंड सीट लेंथ वाइज बहुत ही गाइस बढ़िया है, मतलब दो बंदे इजीली इस बाइक पे जो राइड कर पाओगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड कुशनिंग की बात करूँ सो मीडियम सॉफ्ट और लोग कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं राइडर एंड पिलियन सीट दोनों ही, लेकिन सीट बहुत ही बढ़िया, उतना ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है, मतलब राइडर से पिलियन सीट देख पर थोड़ा सा गाइस ऊपर के साइड में, उतना ज़्यादा नहीं। सो ये चलो ये बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। न्यू SP125 पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आपको क्या सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो चलो इग्निशन करते ऑन। सो फुल्ली गाइस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इग्निशन ऑन करते फुल एक स्वाइप लेता है। लेफ्ट साइड पे इधर पे फ्यूल गेज देन स्पीड क्लॉक भी मिलता है, किलोमीटर ऊपर के साइड पे देन गियर पोजीशन इंडिकेटर शो करेगा। एंड मीटर के दोनों कॉर्नर पे दो छोटे छोटे बटन है जिससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर सकते हो। ट्रिप ए मिलता है, ट्रिप टू मिलता है,
इधर पे गाइस रियल टाइम एवरेज शो करेगा, मतलब ऑन द गो आप लोग माइलेज चेक कर पाओगे कि बाइक कितना का माइलेज दे रहा है, एंड रेंज मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी बाइक में जितना पेट्रोल है उस हिसाब से बाइक कितना किलोमीटर चल पाएगा वो भी गाइस इधर पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो करेगा। अगर वार्निंग्स की बात करें ऊपर के साइड पे इधर पे मिल जाएगा इंडिकेटर, देन गाइस इंजन माल फंक्शन क्योंकि ये FI के साथ है, एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर अपर डिपर करके उसका वार्निंग, एंड साइड स्टैंड वार्निंग भी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड हैंडल बार की बात करूँ इधर पे गाइस आप लोगों को होंडा का ब्रांडिंग मिलेगा, सिल्वर थोड़ा ग्लॉसी पार्ट है, एंड जो हैंडल है फुल्ली गाइस ब्लैक ग्लॉसी। लेफ्ट साइड में इंडिकेटर, नीचे हॉर्न मिलता है, ऊपर के साइड में पासिंग के साथ अपर डिपर, एंड राइट साइड पे गाइस इंजन कील स्विच के साथ सेल्फ मिलता है, एंड इस मॉडल पे साइलेंट शटर प्रोवाइड किया है। हैंडल बार बार एंड जो है वो गाइस फाइबर का मिलेगा। क्लच गाइस बहुत ज़्यादा लाइट है, जब इस बाइक को राइड करूँगा उस टाइम पे गाइस राइड रिव्यू वीडियो पे बता पाऊंगा कि इस मॉडल का जो क्लच कैसा प्रोवाइड किया है न्यू इंजन पर। माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 से 65 तक, उसके ऊपर भी निकाल पाओगे, वो भी गाइस राइडर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग इस बाइक को कैसे राइड करते हो। सो चलो ये बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब प्राइसिंग के बारे में। इन कोलकाता इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,07,200 रुपीज़, एंड बहुत लोग ऐसे ही पूछते हो अगर आप लोग इस बाइक को फिनेंस भी लेना चाहते हो लोएस्ट डाउन पेमेंट कितना आएगा एंड पर मंथ आप लोग कितना EMI भरना पड़ेगा। सो मैं गाइस आप लोगों को L&T फिनेंस का स्कीम बता दे रहा हूँ, लोएस्ट डाउन पेमेंट आएगा 24,000, एंड 3 ईयर के लिए अगर लोन करना चाहते हो तो पर मंथ EMI भरना पड़ेगा 3,122 रुपीज़, एंड 4 ईयर के लिए अगर करना चाहते हो तो 2,516 रुपीज़ करके पर मंथ EMI भरना पड़ेगा। एंड नया कलर स्कीम आप लोगों को कैसे लगा जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर्सनली आप लोगों को नया ग्राफिक्स एंड जो बदला हुआ है कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ इस बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस, तो चैनल को गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, हर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरीज है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, सो बाय।